गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। आज हम लोग हिंदी का स्वर वर्ण लिखना सीखेंगे, ठीक है? हिंदी का स्वर वर्ण लिखना सीखेंगे, जैसे हम लोग अल्फाबेट्स, नंबर्स ये सब सीखे हैं ना, उसी तरह हिंदी का भी लिखना सीखेंगे स्वर वर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। तो उसको आज हम लोग लिखना सीखेंगे। तो उसको लिखना सीखने के लिए हम लोग को कुछ लाइन्स, कुछ रेखाएं सीखना होता है, जैसे हम लोग पहले भी सीखे हैं। जैसे ये आधा गोल गोलाकार हो गया, ये पूरा गोलाकार हो गया, ये आड़ी रेखाएं हो गया, ये खड़ी रेखाएं हो गया, इस तरह का कुछ रेखाएं है, कुछ लाइन्स है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जो वर्ड है उसको लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? अ। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? अ। जैसे ये क्या हुआ? अ। इसको हम लोग बोलते हैं अ, सबसे पहला वर्ड। तो इसको हम लोग कैसे लिखना सीखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? आधा गोल लेना होगा, फिर उसके साथ सर्कल के नीचे की तरफ और एक आधा गोल लेना होगा, फिर आधी वाला रेखा लाइन लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? इसके साथ धीरे धीरे खड़ी लाइन को जोड़ना होगा। ये बन गया क्या? और एक बार देखो कैसे लिखा जाता है। आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, धीरे धीरे घुमाते जाओ, आधा गोल, उसके साथ फिर से और एक बार आधा गोल लिए, बीच में से दोनों के बीच में से मिला के एक अड़ी रेखा देखो, फिर उसके साथ एक अड़ी रेखा लेना है, इसको इस तरह से ऊपर फिर छोटा सा अड़ी रेखा दे देंगे। क्या हो गया? ये बन गया। और ये क्या बन गया? और तो इसको हम हमेशा क्या करेंगे, दो लाइन के अंदर ही लिखेंगे, दो लाइन के अंदर हमें लिखना है। धीरे धीरे लिखेंगे, देखो बन गया। और ठीक है, और के बाद क्या होता है? आप कैसे लिखेंगे? आ लिखने के लिए हमें फिर से उसी तरह आधा गोल, ठीक है, उसके साथ और एक बड़ा आधा गोल लेना है, फिर आधी बड़ा लाइन लेना है, उसके साथ खड़ी लाइन लेना है, ऐसा नकली भी बोल सकते हैं, उसके साथ और एक वाला लाइन लेना है, उसको ऐसे छोटा सा लाइन से मिला देना है। बन गया आ। समझ में आया? बन गया क्या आ? ये ओ बन गया। ओ के साथ और एक लाइन ऐसे हम जोड़ दिए तो क्या बन गया? अब देखो
आशय को हम लोग छोटा ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन लेंगे, उसको आधा ऐसे घुमा के फिर उल्टी तरफ से ऐसे फिर घुमा के नीचे की तरफ लाएंगे, उसके साथ ऊपर एक छोटी सी अभी मिठाई खींच देंगे। ये बन गया फर्शय, अथवा क्या बोल सकते हो तुम, छोटी ई भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो मैं कैसे लिख रही है, आधा गोल करके दाएं तरफ घुमा के फिर और एक बार इसको बाएं तरफ घुमा के नीचे क्यों ले आएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ये क्या बन गया बोलो, हर्षय। ये क्या बन गया, हर्षय। हर्षय से क्या होता है बोलो, इमली होता है। धीरे धीरे हम लिखेंगे, ठीक है। हर्षय, हर्षय के बाद क्या होता है, दीर्घय। हर्षय के बाद क्या होता है, दीर्घय, जिसे हम लोग बड़ी ई भी बोल सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग छोटी ई को लिखे, हर्षय को जैसे लिखे, एक छोटी सी खड़ी लाइन, उसको फिर ऐसे घुमा घुमा के आधा गोल करके फिर उसके उल्टी तरफ ऐसे घुमा के नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा आधा गोल रेखाएं बना लेंगे। ये बन गया दीर्घय, या तुम इसे बड़ी ई भी बोल सकते हो। और एक बार देखो, देखो एक छोटी सी खड़ी लाइन लिए, तीन स्वामी इधर से बाएं तरफ से लेके दाएं तरफ घुमा दिए, आधा गोल कर दिए, ये ना, फिर इसके साथ हम लोग की तरफ ऐसे घुमा के आधा गोल घुमा के क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। उसके साथ ऊपर में क्या करेंगे, एक छोटी सी हरी लाइन कर देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, छोटा सा पीला करके आधा आधा गोल वाला एक लाइन कर देंगे। बन गया क्या, दीर्घय। इसे हम लोग बड़ी ई भी बोल सकते हैं। दीर्घ, ठीक है। देखो इधर कैसे लिख रही, देखो दीर्घय, दीर्घय, दीर्घय से क्या होता है, एक, दीर्घय से एक, और आ हर्षय दीर्घय, और आ छोटी ई बड़ी ई, हर्षय भी बोल सकते हो और छोटी ई भी बोल सकते हो, इसको तुम दीर्घय भी बोल सकते हो और बड़ी ई भी बोल सकते हो, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है।
कैसे हम लोग लेंगे देखो, आधा ब फिर उसके साथ और एक आधा बोल लेंगे, उसको ऐसे ऊपर से छोटा सा आड़ी लाइन लिख के हिला देंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हर्षो, जिसे आप छोटी ऊ भी बोल सकते हैं। देखो कैसे मैं लिख रही हूँ, देखो इसके साथ फिर इस तरह का ही और एक आधा बोल देंगे, क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, ये बन गया क्या, हर्षो, छोटी भी बोल सकते हो, हर्षो से क्या होता है, उल्लू। देखो कैसे मैं लिख रही हूँ, धीरे धीरे हर्षो, 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 हर्षो के बाद क्या होता है, दीर्घो, बड़ी ऊ भी बोल सकते हैं, ठीक उसी तरह आधा घुमाइए, फिर और एक बार आधा घुमाइए, फिर उसके बीच में से हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच में से ऐसे नीचे की ओर, फिर आधा ऐसे थोड़ा सा गोल करके नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घो। देखो ऊपर ऐसे और यहाँ से मिला दिए, क्या बन गया, दीर्घो। देखो आधा बोल लिए और एक बार आधा बोल लेंगे, फिर इसके बीच में से निकाल दिए नीचे की तरफ थोड़ा सा बोल, आधा बोल, देखो उसको मिला दिए ऊपर, ये बन गया क्या, दीर्घ। ये कैसे लेंगे, इसको जैसे हम लोग ये ले रहे हैं ना, ऐसे करके घुमा रहे हैं ना, ऐसे करके इसको भी ऐसे घुमाओगे, कितना लाके एक पूरा नहीं लाना, इसको थोड़ा ऐसे कर देना, ठीक है। ये बन गया दीर्घ, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इस और एक नाम इसका क्या है, क्या बोलो, बड़ी ऊ, ठीक है। देखो दो लाइन के अंदर लिखना है, हम लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ से क्या होता है बोलो, ऊ, दीर्घ से ऊ, हम लोग धीरे धीरे लिखेंगे अच्छा से, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ से ऊ, हर्षो, दीर्घ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, अ से दीर्घ तक लिखना सीखे, ठीक है। ये सब हम लोग क्या करेंगे, घर में बार बार लिखने की प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग ए बी सी भी सीखे है ना, 1 2 सीखे, उसी तरह और भी सीख लिए दीर्घ तक, सीखे है ना। तो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, घर में बार बार लिखने की प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब हम लोग अच्छा से लिखना सीख जाएंगे, दीर्घ तक हम लोग लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद हम